सुप्रीम कोर्ट ने आज बिल्किस बानो रेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के फैसले को चुनौती देने का मामला सुना और कोर्ट ने गुजरात सरकार से 2 हफ्ते में रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा। गुजरात के बिल्किस बानो रेप केस में दोषियों की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में दाखिल सभी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया और गुजरात सरकार से 2 हफ्तों में दोषियों की रिहाई से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने को कहा है। 3 हफ्ते बाद कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। गुजरात सरकार के आदेश पर 15 अगस्त को 11 दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया था। जेल से निकलने पर उनका सम्मान भी किया गया था, जिसका काफी विरोध हुआ। गुजरात के गोधरा में 2002 में दंगों के बाद बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप हुआ था। उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या भी कर दी गई थी। 2008 में मामले से जुड़े 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इन दोषियों में से एक ने रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने रिहाई का फैसला गुजरात सरकार पर छोड़ दिया था। गुजरात सरकार ने रिहाई से जुड़ा फैसला लेने के लिए एक कमेटी बनाई थी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर सभी दोषियों को रिहा किया गया। इस फैसले के खिलाफ बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।